Hello everyone. So in the previous class we discussed about the topic photosynthesis. ठीक, हमने photosynthesis के बारे में discuss किया था. Simply we also discussed about the requirements. What are the requirements for the process of photosynthesis? And we also discussed that where is the site and the chemical equation for the process of photosynthesis. Chemical equation के बारे में discuss किया पहली बात. दूसरी बात हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में डेफिनेटली. थर्ड वन वाज द साइट दैट वेयर द एक्चुअली द फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहां पर हो रहा है एक्चुअल में. तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या रहता है फोटोसिंथेसिस में. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, नो डाउट फोटोसिंथेसिस की एक हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से कि 6 CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है जी, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज द सिंपल केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्स में यही कई बार पूछ ली जाती है. एंड एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस लेक्चर कि जो सोर्स है इस ऑक्सीजन का दैट इज एक्चुअली द वाटर. सोर्स क्या है, वाटर है ऑक्सीजन का, ठीक है. ये चीज कहां से मिलती है, डेफिनेटली फ्रॉम द एटमॉस्फियर. ये चीज कहां से मिलती है, फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, ठीक है जी. एंड द सोर्स ऑफ लाइट इज डेफिनेटली द सन. तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में ना दो फेजेस रहते हैं. बात को ध्यान से सुनना है, ठीक. फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस रहते हैं, दो स्टेप्स रहते हैं बेसिकली, है ना. वन इज द लाइट रिएक्शन, एंड द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो फेजेस में जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो होती है, ठीक. आपको पता है कि साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, नो डाउट. ये मैंने रफली डायग्राम बना रखी है किस चीज की, दैट इज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बेसिकली द साइट इज क्लोरोप्लास्ट, वी वेरी वेल नो, ठीक. एंड हमें ये भी पता है कि जो लाइट रिएक्शन है दैट अकर्स इन द ग्रेना रीजन, दैट अकर्स इन द ग्रेनालिज्म. एंड जो डार्क रिएक्शन है दैट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ओके, यहां तक हमारा जो है लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में हल्का सा हमने क्लियर किया था, ठीक. एंड हम अब जो डिस्कस करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है. तो लाइट रिएक्शन के बारे में एक दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली, ठीक. एज आई मेंशन्ड हियर कि लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनालिज्म में होगा. एंड लाइट रिएक्शन में जो बनता है वो क्या बनता है, बेसिकली हमने बनानी है यहां पर असिमिलेटरी पावर. हमने यहां पर असिमिलेटरी पावर बनानी है, मतलब ऐसी चीज बनानी है विच विल यूज इन द डार्क रिएक्शन. जो डार्क रिएक्शन में यूज होगी तो वो चीज हमने कहां पर बनानी है, इन द डेफिनेटली इन द लाइट रिएक्शन. तो इसमें होता क्या, दो चीजें हम पढ़ेंगे सिर्फ. वन इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोलाइसिस ऑफ
water, and secondly formation of assimilatory power, formation of a assimilatory power. असिमिलेटरी पावर की प्रोडक्शन, ठीक है। असिमिलेटरी पावर में आपको पता चले गया कि असिमिलेटरी पावर क्या चीज है। बेसिकली हमने यहां पर दो चीजें बनानी होगी, वन इज एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड द एनएडीपीएच पीएच। तो ये दो चीजें हम लोग इस लाइव रिएक्शन में बनाएंगे, ठीक। एंड हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, ठीक। तो लाइट की हेल्प से सबसे पहले क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O जो है वो उसकी स्प्लिटिंग होती है किसमें, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, और हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, ठीक है जी, ओके। तो अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती है। मैं इसको हल्का सा बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो 4H2O मान लो, तो 4 यही बन जाएंगे हमारे पास, 4 एंड 4H पॉजिटिव, 4 6 हो गए यहाँ पर, टोटल 8 हो गए सॉरी, एंड 4 प्लस 4 8, तो ये बैलेंस हो चुकी है, क्लियर। सो हियर वी बैलेंस दिस इक्वेशन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक, क्लियर। एंड यहां पर हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करनी है, देखो इन चीजों को यूज करके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को यूज करके, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स एंड एच पॉजिटिव को यूज करके बेसिकली हम क्या बनाते हैं, एडीपी, एडीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है जी। एनएडीपीएच कैसे बनता है, बात को समझो, एनएडीपी दैट इज निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की जब हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास बन जाएगा NADPH विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज कौन सा एंजाइम है, यहां पर एक एंजाइम रहता है NADP रिडक्टेज की हेल्प से हम NADP को रिड्यूस कर देते हैं NADPH में, ठीक है जी, क्लियर। और इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने जिसने ये बना रखा है आपका ग्रेना रीजन, तो उस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की हेल्प से, एंड एक हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले ली और हमने हमारे पास बनता है एटीपी, ठीक है जी। एटीपी कौन बनाएगा, यहां पर एक एंजाइम रहेगा एडीपी सिंथेस। तो जी क्लोरोप्लास्ट में दो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वन इज एडीपी सिंथेस एंड एनएडीपी रिडक्टेज। एंड एटीपी सिंथेस एटीपी बनाएगा, एनएडीपी रिडक्टेज एनएडीपीएच बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, असिमिलेटरी पावर है जो हमने लाइट रिएक्शन के दौरान बनाई है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन का फायदा क्या है, लाइट रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, बस दो चीजें होगी, वन इज एटीपी प्रोडक्शन, दूसरी एनएडीपीएच प्रोडक्शन। यही इसीलिए वहां पर बोलते हैं कि यार अच्छा लाइट एनर्जी को चेंज करना है हमने किसमें, केमिकल एनर्जी में। सो बेसिकली दिस इज द केमिकल एनर्जी जिसको हम यूटिलाइज करेंगे इन द डार्क रिएक्शन, एंड हाउ वी विल दिस यूज दिस एटीपी एंड एनएडीपीएच इन द लाइट डार्क रिएक्शन, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी के लिए बात को अंडरस्टैंड करो, यहां पर इस ये जो हमारे पास ये चीज बची है, ठीक है, इससे हमारे पास ऑक्सीजन एंड वॉटर बन जाता है विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, that is oxygen evolving complex, clear। तो ये हमारा light reaction हो गया। Light reaction के बारे में जल्दी से summarize करते हैं। Light reaction अच्छा जी ग्रेना रीजन में होगा, पहली बात। दूसरी बात light की presence में होगा, ठीक। तीसरी बात
वाटर की लाइसिस होगी, ठीक। चौथी बात, हमें एटीपी फॉर्मेशन करनी होगी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन हमें करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ अ सिमिलेटरी पावर। तो ये तीन चार चीजें हमने लाइट रिएक्शन के बारे में याद रखनी है। सो टेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीएससी वगैरह के एंड ओलंपियाड्स के लिए इतना हमें काफी है, क्लियर। एंड अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम डार्क रिएक्शन के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक डार्क रिएक्शन, ओके। सो दिस इज द सेकंड फेज, मैं यहां पर इरेज करना चाहूंगा इसको, ठीक। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक डार्क रिएक्शन। यस, इसको इरेज कर लेते हैं हल्का सा। एंड वी वेरी वेल नो कि ये एक स्ट्रोमा रीजन में होगा, ठीक है। एंड लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सॉरी होता क्या है, यूज होगा, यूज एटीपी, यूज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, इसकी यूटिलाइजेशन होगी, सीओ टू की फिक्सेशन होगी एंड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने यहां पर याद रखनी है। वन इज कि अच्छा जी, CO2 की फिक्सेशन होगी, ATP एंड NADPH जो थे वो यूटिलाइज होंगे, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये हम अब डार्क रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। और डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी रेज ऑल दीज थिंग्स, होप यू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइट रिएक्शन, ठीक है। एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में हम एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज अ केल्विन साइकिल, ठीक है जी। अब केल्विन साइकिल के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो केल्विन साइकिल अगर प्लस वन के लेवल का करना हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डार्क रिएक्शन। ठीक है जी, डार्क रिएक्शन, क्लियर। एंड वी वेरी वेल नो द साइट इज द स्ट्रोमा रीजन, ठीक है जी। इसमें होगा क्या, CO2 फिक्सेशन, ठीक है। एंड डार्क रिएक्शन में एक जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज केल्विन साइकिल। केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने कार्बन फिक्सेशन का जो ट्रैक है वो ट्रेस किया था, ठीक है। मतलब किस तरीके से जो CO2 है वो फिक्स होती है उसके बारे में, एंड कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं इवन, है ना। तो वो केल्विन ने डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ रेडियो ऑटोग्राफी, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द केल्विन साइकिल, ठीक। केल्विन साइकिल में बेसिकली हम लोग डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल आ जाता है हमारा, बेसिकली तीन स्टेप्स रहते हैं ए बी एंड सी, ठीक है जी। वो तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं, CO2 फिक्सेशन, ठीक है जी, रिडक्शन, RUBP रीजनरेशन, तो ये तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्लियर, लाइट रिएक्शन में, क्लियर सॉरी डार्क रिएक्शन में, ओके। बेसिकली रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इन दोनों स्टेप्स में ये जो हमने लाइट रिएक्शन के दौरान बनाया था एटीपी एंड एनएडीपीएच उसकी यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में क्या होगा कि CO2 को फिक्स करना, ठीक है जी। कैसे करेंगे, एक जी फाइव कार्बन कंपाउंड रहता है स्ट्रोमा के अंदर, जिस फाइव कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं RUBP, ठीक है जी, RUBP, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज, ओज आ गया, राइबोलोज,
तो ये शुगर आ गई राइबोलोज 1,5-bisphosphate, ठीक है जी, ये 5-carbon कंपाउंड है। इसके साथ CO2 अटैच होती है, ठीक है जी, तो बनता है एक 6-carbon अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है जी, जो ब्रेक हो जाता है, जो स्प्लिट हो जाता है, हो जाता है इन ए 3-carbon कंपाउंड नोन एज PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है जी, क्लियर, तो PGA में, क्लियर, ओके। एंड डेफिनेटली इसके दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि 5+1 carbon होगी, 6 carbon होगी, ठीक है, 1 carbon CO2 की होगी, तो 6 carbon प्रोडक्ट जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है वो 2-3 carbon कंपाउंड में टूट जाएगा। क्लियर, यहां तक हमें क्लियर है जी, ठीक, इसको 3-phosphoglycerate भी बोल दिया जाता है, ठीक, सॉरी दिस इज नोन एज 3-phosphoglycerate, ओके। अब जो CO2 की फिक्सेशन है, इसके लिए एक एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज नोन एज रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को जोड़ेगा इसको, क्लियर, RUBP एंड CO2 को कौन जोड़ेगा, रुबिस्को, क्लियर। तो ये पहला स्टेप हमें क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ठीक, रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन के लिए हमें चाहिए होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, तो रिडक्शन होगी, रिडक्शन से क्या बनेगा हमारे पास, तो हम बना ही लेते हैं पहले इसको स्टेप बाय स्टेप, होप आप लोगों ने ये चीज लिख ली होगी, है ना, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं दोबारा से एक साइक्लिक प्रोसेस में ही आप इस को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, वीडियो को पॉज किया था थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, डार्क रिएक्शन में 3 फेजेस हैं, CO2 फिक्सेशन ऑलरेडी हम कर चुके, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है, इन तीनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है, दीस 3 स्टेप्स वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखो RUBP के साथ, ये एक 5-carbon कंपाउंड है, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, 5 carbon है जिसके, जिसका नाम है राइबोलोज 1,5-bisphosphate, ठीक है, इसके साथ एक CO2 जुड़ गई, CO2 जुड़ेगी तो डेफिनेटली मैंने आपको यहां पर बताया था कि एक 6-carbon अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है जी, एंड वो अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, इन 3 PGA, किसमें, 3 PGA में, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एंड देखो ये अब 3-carbon कंपाउंड है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर हमने एक RUBP लिया है यहां पर, अगर एक RUBP लिया है, एक हमने CO2 ले ली, तो हमारे पास 2 यहां पर क्या बन जाएंगे, फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्या करेंगे हम, एक ATP को यूज करके, ATP को हम लोग यूज करेंगे, ATP को यूज करके क्या बनेगा हमारे पास, ADP, क्लियर। एंड अब इसमें एक फॉस्फेट था, अब 2 फॉस्फेट हो गए, तो ये बन गया बिस बाई, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी करेंगे रिडक्शन, क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है, दैट इज नोन एज NADPH, है ना, तो NADPH इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, G3P में, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-phosphate, ग्लिसरेल्डिहाइड
3-फॉस्फेट, ठीक है जी। इसके भी दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं एंड जैसे एल्डिहाइड भी 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास। ओके, मैं कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ एक सी ग्रुप का मॉलिक्यूल यहां पर, ठीक है, क्लियर। अब इस ग्लिसरीन एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से रीजनरेशन भी हो सकती है, किसकी, RUBP की अगेन, एंड इसको यूटिलाइज किया जा सकता है शुगर्स बनाने के लिए भी, ठीक है जी, इसको शुगर्स बनाने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में CO2 फिक्सेशन करनी है, दूसरे स्टेप में हमने रिडक्शन करनी है, ठीक है, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड की रिडक्शन करके हम हमारे पास बन गया ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एंड इस ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हम शुगर्स बनाने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP, क्लियर। यहां तक हमें चीजें क्लियर है, तीनों में तीनों स्टेप्स जो है वो हमारे क्लियर है। अब हल्का सा मैं इसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखो, हमें ग्लूकोज बनाने के लिए तो 6 कार्बन चाहिए, सिंपल सी बात है, तो ये भी मेरे को कितने लेने पड़ेंगे, 6, ठीक है जी। तो 6×5 हमारे पास टोटल होंगे 30 कार्बन, ठीक है जी, एंड 6 कार्बन इसके ले लिए तो मेरे पास टोटल कितने बन गए, 36 कार्बन। अब 36 कार्बन से अगर मैं 3 कार्बन कंपाउंड बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, 12×3 दैट इज 36 होता है, तो मेरे पास बन जाएंगे ये 12, क्लियर। आई विल गेट 12 PGA, ठीक है, तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी मेरे पास कितने बनेंगे, 12, क्लियर, ये भी कितने बनेंगे, 12, ओके। तो इन 12 में से, क्लियर, 2 यूटिलाइज होंगे शुगर्स बनाने के लिए, एंड 5 को आप यूटिलाइज कर सकते हो इसके लिए रीजनरेशन के लिए, सॉरी 10 को, इट्स माय मिस्टेक, 10 को आप यूटिलाइज कर सकते हो रीजनरेशन ऑफ RUBP के लिए, ओके, क्लियर। तो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या निकलेगा कि मैंने 6 CO2 यूज की है, 6 RUBP यूज किए हैं, 18 ADP यूज की है, क्योंकि अगर एक के लिए एक ADP है तो 12 के लिए कितने ADP होंगे, 12 ADP, है ना, एंड अगर एक के लिए एक NADPH है तो 12 के लिए कितने होंगे, 12 NADPH, ठीक। तो इसलिए मैंने 12 NADPH यूज किए। अब 12 ADP हो गए, 6 कहां यूज होंगे, 6 यहां पर, ठीक है जी, किस चीज के लिए, रीजनरेशन के लिए, क्लियर, रीजनरेशन ऑफ RUBP के लिए, ठीक। अगर एक RUBP के लिए एक ADP यूज होता है रीजनरेशन के टाइम, तो हमें कितने करने हैं, 6 करने, तो 6 ADP यहां हमारे यूज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, RUBP एज सच रीजनरेट हो गया, NADP बन गया, एंड ATP से ADP बन गया, ओके, एंड ATP एंड NADP जो है वो दोबारा से लाइट रिएक्शन में दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। होप इट वर्क यू आउट, क्लियर, आपको ये हेल्प करेगा। सो एंड फॉर द डे।